अपनी शक्तियों के बल पर रावण किसी को भी अपने वश में कर सकता था। अगर आपने रामायण कभी गौर से देखी होगी तो रावण के सिंहासन के पास उसके पैर के नीचे एक नीले रंग का शख्स लेटा दिखाई पड़ता है। क्या आप जानते हैं रावण के पैर के नीचे दबा ये शख्स कौन है? राक्षस राज रावण को अपनी मायावी शक्तियों पर बहुत अभिमान था। अपनी शक्तियों के बल पर रावण किसी को भी अपने वश में कर सकता था। अगर आपने रामायण कभी गौर से देखी होगी तो रावण के सिंहासन के पास उसके पैर के नीचे एक नीले रंग का शख्स लेटा दिखाई पड़ता है। क्या आप जानते हैं रावण के पैर के नीचे दबा ये शख्स कौन है? आखिर क्यों रावण इस पर हमेशा पैर जमाए बैठा रहता है? इसके पीछे छिपा रहस्य जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। ज्योतिष विदों के जानकारों का कहना है कि रामायण में रावण के पैर के नीचे नीले रंग का जो शख्स दिखाई देता है वो कोई और नहीं बल्कि न्याय देव शनिदेव है। शनिदेव रावण के सिंहासन के ठीक नीचे पैरों की जगह उल्टे लेटे दिखाई पड़ते हैं, जहां रावण उनकी कमर पर पैर रखकर बैठता था। पर रावण ऐसा क्यों करता था और शनि कैसे उसके पैरों के नीचे आ गए, इसकी भी एक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण एक मायावी राक्षस था। तंत्र मंत्र की सिद्धियों ने उसे महाविद्वान और बड़ा ज्योतिषी बना दिया था। इन्हीं शक्तियों के बल पर रावण ने सभी 9 ग्रहों को अपने वश में करके अपने पास बंदी बना लिया था। ऐसा कहते हैं कि रावण सभी ग्रहों को अपने पैरों के नीचे रखता था। ऐसा करके वो अपने पुत्रों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति को नियंत्रित करता था। इन ग्रहों में नीले रंग के पुरुष की आकृति में नजर आने वाले शनि देव ही हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव को एक क्रूर और महाशक्तिशाली ग्रह माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि शनि की दृष्टि पृथ्वी लोक पर रहने वाले किसी भी प्राणी को तबाह कर सकती है, लेकिन रावण इतना ताकतवर था कि उसने शनि को भी अपने वश में कर लिया था। दरअसल अपने पुत्र की कुंडली बनाते वक्त रावण ने सभी 9 ग्रहों को अपने हिसाब से बदल दिया था। कुंडली में हर ग्रह रावण के हिसाब से चाल चलने लगे, लेकिन एकमात्र शनिदेव बार बार अपना स्थान बदल रहे थे। इससे उसके पुत्र के जीवन में बड़ी समस्याएं आ रही थी। तब रावण ने शनिदेव को अपने वश में करके उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव मुक्त कैसे हुए और कब हुए। ऐसा कहते हैं कि जब हनुमान भगवान राम का संदेश लेकर सीता माता के पास लंका गए तो उन्होंने लंका दहन के समय ही शनिदेव को रावण के चंगुल से आजाद करा दिया था। कहते हैं कि लंका दहन से ठीक पहले रावण ने शनिदेव को कारागृह में डाल दिया था और उसके बाहर एक शिवलिंग स्थापित कर दिया था ताकि इस पर पैर रखने के डर से शनिदेव वहां से निकल ना पाए। तब हनुमान जी ने लंका आकर शनिदेव को मुक्त कराया था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार।